वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि मैं ट्रिपल सी का क्लास ले रहा हूँ, और उसके अंतर्गत जो भी सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वह हमारे बेसिक मैं मॉड्यूल वन को जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जो उसमें पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आज के मैं इस वीडियो में, जहाँ तक मैंने कल के वीडियो में पढ़ाया था, जैसे आप देख सकते हो मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था, यहाँ आप देख सकते हो, ये कल का वीडियो है। हमने जनरेशन पढ़ाया था, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाया था, फिर से हमने सीपीयू पढ़ाया था, उसके पार्ट्स पढ़ाया था, ठीक है, और बेसिक फंडामेंटल के बारे में यही सारी जानकारी हमने आपको दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम इसी के आगे के वीडियो को कवर करेंगे और उसमें समझाएंगे आपको कि कैसे हमारा मेमोरी होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर से नंबर सिस्टम को बताएंगे, ठीक है, फिर से पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को बताएंगे, फिर से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, कुछ लेआउट्स के बारे में बताएंगे, और उससे रिलेटेड हम कम से कम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी पेपर्स को आसानी से दे सकते हो। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो उसे जाकर प्लेलिस्ट से, ट्रिपल सी क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहां से आप उसे चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए तभी ये समझ आएगा। ठीक, सबसे पहले देखो मेमोरी, ये मेमोरी होता क्या है? तो मेमोरी को हिंदी में कहते हैं स्मृति। क्या बोलते हैं? मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मेमोरी का होता काम क्या है, यानी मेमोरी जो होता है उसका काम क्या होता है? तो उसका काम डाटा का संग्रह करना होता है, यानी मेमोरी का जो काम होता है वो क्या करता है? डाटा का संग्रह करना होता है। आप लोग डाटा जानते ही हो, ठीक है, टेक्सचुअल, ठीक है, ऑडियो, ग्राफिकल, फाइल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। टेक्सचुअल क्या होता है ये आप जानते ही हो, टेक्सचुअल फाइल क्या होते हैं, जैसे आपके क्या हो गए, अल्फाबेट हो गए, अल्फाबेट क्या होता है, A to Z, ठीक, नंबर्स हो गए, ठीक है ना, नंबर्स क्या हो गए, 0 to 9, ठीक, कैरेक्टर्स हो गए, ये कैरेक्टर क्या होते हैं, एट द रेट हो गया, हैज हो गया, स्टार हो गया, ठीक है ना, परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, यानी ये सब चीजें हैं, रुपया का सिंबल हो गया, ये सारे हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये सब हमारे क्या टेक्सचुअल फाइल के अंतर्गत आते हैं। ऑडियो आप जान रहे हो, जो MP3 हम गाना सुनते हैं, .MP3, MP3, ठीक है, वेव, ठीक है, ऐसे ही करके AMR, ये सब फाइल हम क्या होते हैं, हमारे ऑडियो फाइल्स होते हैं। ग्राफिकल में आपका वीडियो और पिक्चर, पिक्चर और वीडियो दोनों आ जाता है। ठीक है, पिक्चर में आपका क्या होता है, JPG, PNG, ठीक है, GIF, BMP, ये सब हमारे क्या है, कुछ पिक्चर से फाइल है। और वीडियो में क्या आ जाएगा आपका, MP4, AVI, ठीक है, HD, ठीक है, ठीक, ये सारे क्या है हमारे, 3GB भी हो जाएगा, ठीक है, ये सब वीडियो का फाइल है, ये हमारे डाटा ऑर्डर है, जिसका क्या करता है हमारा मेमोरी, उसका संग्रह करता है। आई होप आपको मेमोरी समझ आ गया होगा। अगर कोई मेमोरी पूछे होता क्या है, तो मेमोरी एक ऐसी युक्ति होती है या एक ऐसा माध्यम होता है जिसके अंतर्गत डाटा का संग्रह करना होता है। अब चलिए मेमोरी को हम जानते हैं, उसके प्रकार और उसमें क्या क्या चीज होते हैं। ठीक, देखिए मेमोरी जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होता है ना उसके अंतर्गत दो आता है, एक आता है टेम्परेरी मेमोरी और दूसरी आता है परमानेंट मेमोरी। ठीक, जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होता है उसके अंतर्गत आपका रैम होता है, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक, परमानेंट के अंतर्गत आपका रोम आता है, जिसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, जो हमारा रैम होता है ठीक है, तो हमारा टेम्परेरी मेमोरी रैम होता है और परमानेंट मेमोरी रोम होता है। जो हमारा रैम होता है उसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो रोम होता है उसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है ना। जो रैम होता है
इसको वोलेटाइल मेमोरी और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता क्या है? ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा कुछ ही क्षणों के लिए स्थिर रहता है उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। जो रैम हमारा होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एस रैम को कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा रोम होता है वो तीन प्रकार का होता है। इसमें जो पहला होता है ई रोम होता है, इलेक्ट्रॉनिक रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो तीसरा होता है ईईपी रोम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे मेमोरी के क्या है? प्रकार है, ठीक। अगला आते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्वितीयक मेमोरी। अब ये द्वितीयक मेमोरी क्या होता है? ऐसी मेमोरी जो हम बाहर से क्या करते हैं, अपने सिस्टम में लगाते हैं, ठीक। तो जो हमारा एफडीडी होता है, जो सबसे पुराने मेमोरी था एफडीडी, जिसको पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये हमारा 3 से 4 MB स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आता था, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होते थे? लगे होते थे। फिर से कुछ समय बाद चेंजिंग हुआ, चेंजिंग होने के साथ साथ नई मेमोरियां आई, ठीक है। तो उसी समय आया आपका मैग्नेटिक टेप, जिसमें क्या होता है, गाना वाना लगा होता है, जो डिस्क होता है आप लोग देखे होंगे, ठीक है, वीसीआर में लगा होता है, ठीक है ना। तो उन समय मैग्नेटिक टेप लगा होता है। फिर से कुछ समय चेंज हुआ, उसके बाद आया आपका सीडी, फिर से आया डीवीडी। सीडी का पूरा नाम जानते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क। जो सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 से 740 MB तक होती है, MB तक होती है। और जो हमारी डीवीडी होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB तक होती है। आप देखे होंगे जो सीडी हमारी होती है ना, उसकी कलर कोड आपको ग्रीन में वो दिखता है। आप सीडी को उठाकर देखोगे तो ग्रीन में होता है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 से 740 MB होती है। और जो डीवीडी होता है, ठीक है ना, उसका कलर कोड यानी वो कलर से अगर पहचानने के लिए दे दे तो उसका पर्पल होता है, ठीक। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होती है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और आप देखे भी होंगे कि एक सीडी में एक मूवी आता था, और जो डीवीडी होता है उसमें कितनी स्टोर कर सकते हैं? 3 से 4 मूवी आसानी से हम इसको स्टोर कर सकते थे, ठीक है। फिर से समय बदलते गया, उसके बाद आया एसडी कार्ड, जो सबके मोबाइल में लगा होता है, ठीक। फिर से समय के साथ चेंजिंग हुआ, पेन ड्राइव आया, ठीक है। फिर से समय बदला तो हमारा जो सिस्टम में लगा होता है एचडीडी लगा होता है, ठीक, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर से कुछ समय चेंज होकर आया अब जो लेटेस्ट में चल रहा है वो होता है एसएसडी। यानी ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के क्या है? प्रकार है, ठीक है। तो पहले फ्लॉपी डिस्क आया, ठीक, फिर से मैग्नेटिक टेप आया, फिर से सीडी डीवीडी आया। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 700 से 740 MB होती है, डीवीडी की 4.7 GB होती है, जिसकी कलर कोड भी आपको बता दें, डीवीडी पर्पल कलर का दिखता है और सीडी हमारा ग्रीन कलर का होता है। एसडी कार्ड आपको देख ही रहे हो, एसडी कार्ड आपका आया था जब 128 GB से 128 MB से स्टार्ट हुआ, और इस समय तक आपका 512 GB तक ये मिलता है एसडी कार्ड, ठीक। पेन ड्राइव भी आपका 512 GB तक, 256, यानी आपके अनुसार जितना लेना चाहें वो मिल सकता है, ठीक। एचडीडी 1 TB 2 TB, ठीक ना, नहीं, टेराबाइट में ये मिलता है। सेम ऐसे भी एचडीडी एसएसडी भी मिलता है 1 TB 2 TB करके, ठीक है। तो ये हमारे मेमोरी थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। इससे एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन इसमें से पूछता है, ठीक है। अब चलिए हम मेमोरी यूनिट के बारे में थोड़ा जान जाए, उसके मात्रक के बारे में। जैसे आप चावल खरीदने जाते हो तो उसको भी तो आप मात्रक में खरीदते हो, और दाल तेल लेते हो तब भी उसको लेते हो। जैसे चावल आप केजी में लेते हो, वैसे ही क्या करते हो, कोई तेल ऑयल लेते हो तो उसको क्या करते हो, लीटर में लेते हो। अब मेमोरी जाके नहीं बोलोगे 1 लीटर मेमोरी दे दीजिए, ठीक है, तो आप इसको कैसे बोलोगे कि हमें इतने GB की मेमोरी दीजिए, इतनी MB की मेमोरी दीजिए, इतनी KB की दे दीजिए, ऐसे करके आप बोलोगे, ठीक है ना। तो ये चीज बता रहे हैं आपको, ठीक। चलो अब ये जो मेमोरी यूनिट है, यहां पर लिख रहे हैं मेमोरी यूनिट को, ठीक। जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना, वो बिट होती है। क्या होती है? बिट। जो 4 बिट एक निब्बल के बराबर होता है, ठीक है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? बिट हुई, जिसका पूरा नाम भी लिख देते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है, जो 1 निब्बल के बराबर होती है। फिर से आता है 8 बिट,
जो 8 बिट होता है वह 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक, फिर से 1024 बाइट होता है आपका 1 किलोबाइट के बराबर। ठीक है, फिर से हमारा 1024 किलोबाइट इक्वल टू होता है 1 मेगाबाइट। ठीक है, फिर से 1024 मेगाबाइट हमारा 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, जिसको जीबी बोलते हैं, बराबर होता है। ठीक, फिर से 1024 हमारा जो गीगाबाइट होता है वो 1 TB के बराबर होता है, यानी टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है ना, फिर से इसके बाद समय चेंज हुआ, 1024 GB हुआ हमारा, 1 PB के बराबर होता है। अब पीबी बोलो क्या होता है, तो वो होता है पेटाबाइट। ठीक है, फिर से 1024 पेटाबाइट हमारा हुआ 1 EB के। ठीक है ना, ईबी को कहते हैं एक्सोबाइट। अब फिर से 1024 एक्सोबाइट बराबर हुआ 1 HB, हेक्सा बाइट। इन सब मेमोरियों का, जो ये सारे पीबी ईबी एचबी है, ये सब सुपर कंप्यूटरों में प्रयोग हो रहे हैं, यानी जहां पर डाटा बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करना होता है वहां पर इन सारी मेमोरियों का क्या होता है, प्रयोग होता है। आई होप आप मेमोरी को अच्छे से समझ गए होंगे। आप इन सब के मात्रकों का पूरा नाम याद रखिएगा, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये चीज जरूर याद रखिएगा, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई हमारी होती है बिट, जिसके पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। चलिए, यहां तक समझ आने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कंप्यूटर के भाग। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, ठीक है ना, वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब ये 3 होते कौन कौन है, सबसे पहले नाम जानिए। पहला जो होता है हमारा होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा था आउटपुट डिवाइस, ठीक, और तीसरा जो होता है हमारा होता है सीपीयू। ठीक है ना, ये 3 भाग होते हैं। अब इनपुट डिवाइस होता क्या है, ऐसे डिवाइसेस जिसके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है, और ऐसे डिवाइसेस जिसके माध्यम से इनपुट किए गए डेटा का रिजल्ट प्राप्त करते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है ना, डिवाइस कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझना है। अब देखिए, जो इनपुट डिवाइस होते हैं उसमें बहुत सारे भाग होते हैं उसके, तो हम यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं, उसी 10 में से क्वेश्चन इधर उधर घुमाकर आपसे पूछेगा। ठीक, जैसे आपका माउस हो गया, ठीक, फिर से कीबोर्ड हो गया, ठीक है, फिर से आपका जॉयस्टिक हो गया, वेबकैम हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है ना, लाइट पेन हो गया। ठीक, लाइट पेन के बाद बहुत सारा OCR हो गया, OMR हो गया, MICR हो गया, बारकोड रीडर हो गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ माइक्रोफोन हो गया। ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस के प्रकार है। अब माउस जानते हो, ये एक प्रकार का सिलेक्शन या इंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन या इंस्ट्रक्शन टाइप का क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, माउस क्या है, टेक्स्ट टाइप इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, गेम खेलने के लिए बना हुआ एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, वेबकैम क्या है, हम पिक्चर को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। ठीक, स्कैनर क्या है, जो हम क्या करते हैं, छाया प्रति प्रति बनाने का काम करते हैं। लाइट पेन क्या है, एक ग्राफिक पेन होता है, ग्राफिक पेन होता है, जो लेजर के माध्यम से हम क्या करते हैं, सिस्टम में हम कोई भी ड्राइंग करने का कार्य करते हैं। OCR, MICR, बारकोड, ये सब चीजें जो होते हैं, ये सब एजुकेशन व मॉल इत्यादि में प्रयोग होने वाले उपकरण है, जिसके माध्यम से किसी भी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज, यानी उसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करके, यानी उसको कैप्चर करके उसके अंदर लिखे गए डेटा को फिट करने का काम करते हैं इसे। ठीक है, जो हमारा माइक्रोफोन है उससे हम क्या करते हैं, ऑडियो को सिस्टम में फिट करते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये किस प्रकार के इनपुट डिवाइस है। फिर से हम आउटपुट बताते हैं आपको।
देखिए जो हमारे ये आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्या होता है, इनपुट का ही हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। तो आउटपुट में सबसे पहले आता है मॉनिटर, ठीक, फिर से आता है आपका प्रिंटर, ठीक, फिर से आपका आता है प्लॉटर, ठीक, स्पीकर, ये सब हमारे क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। अब देखिए जो मॉनिटर होता है ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन एग्जामिनर ये से नहीं पूछेगा कि मॉनिटर क्या है। मॉनिटर ऐसे बोल देंगे आप एक इनपुट डिवाइस है, तो ये सिंपल तो सारे बच्चे इसका रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर से पूछता है किस टाइप का आउटपुट डिवाइस है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कभी भी आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप बोलिएगा जो हमारा मॉनिटर होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। ऐसे ठीक प्रिंटर का पूछे तो वो क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। अब ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी होता क्या है, सॉफ्ट कॉपी वो होते हैं जैसे हम सिस्टम में कोई काम करते हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी ये सारे काम को आसानी से कर सकते हैं, इसलिए उसको सॉफ्ट कॉपी कहा गया है। और प्रिंटर को हार्ड कॉपी इसलिए कहा गया ताकि हम उसमें कोई काम करके जब प्रिंट निकाल लेते क्या आप उसे मिटा सकते हो, नहीं मिटा सकते हो, इसलिए उसको हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अगला क्वेश्चन बनता है हमारे मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो मॉनिटर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी जानना जरूरी है, ठीक। तो जो हमारा मॉनिटर होता है वो तीन होता है, एक पहला होता है सीआरटी, ठीक है, दूसरा जो होता है एलसीडी और तीसरा जो होता है एलईडी। ये तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं, मॉनिटर होते हैं, ठीक है। सीआरटी का पूरा नाम जान जो, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, ये उसका पूरा नाम होता है, ठीक। जो प्रिंटर होता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है जिसके प्रकार हमारे दो होते हैं, ठीक है। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, ठीक है। अब इंपैक्ट प्रिंटर होते क्या है, ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट देते वक्त आवाज करते हैं वो हमारे इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, और ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट देते वक्त आवाज नहीं करते वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। अब जो ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है ना, जो ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है ना, इसके अंतर्गत प्रिंटर आता है जो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो हमारे ऑफिस कार्यालय रेलवे में इत्यादि बहुत सारा यूज, जो बिजली विभाग होता है इसमें ये डॉट मैट्रिक्स का यूज होता है, ठीक है। जो क्या कहता है, प्रिंट एक डॉटेड के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है। इसमें जो इंक की स्याही भरी जाती है वो पट्टी होती है, यानी एक कार्बन कॉपी जो होता है ना वो पट्टी टाइप में लगे जो इसमें टंकन करके वो प्रिंट करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है जो आवाज नहीं करता, उसमें आता आपका आता है इंक जेट, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है लेजर, लेजर, ठीक है ना। अब जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसमें स्याही कार्टिज के रूप में भरी जाती है, और जो लेजर होता है उसमें टोनर के रूप में स्याही भरी जाती है। और ये भी याद रखिएगा जो प्रिंटर होती है उसकी क्वालिटी हम इसको डीपीआई में नापते हैं, डीपीआई, ठीक है ना, डॉट पर इंच में इसको नापते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। फिर से देखिए प्लॉटर जो है ये भी एक प्रिंटर का प्रकार होता है, लेकिन इसका प्रयोग एक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे मायने रखता है और डिजाइनिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहां पे बहुत ही बारीक काम किया जाता है डिजाइनिंग से संबंधित, जो प्लॉटर से ही क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। यानी ये भी एक प्रिंटर का प्रकार है, आपको बस ये याद रखना है। और एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आप जानते हो, ऑडियो का आउटपुट यहाँ से मिलता है, ठीक। सीपीयू बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले वीडियो में सीपीयू के बारे में बता दिया था। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसके तीन भाग होते हैं, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एक एमयू मेमोरी यूनिट, यानी ये हमारे सीपीयू के क्या है, भाग है, ठीक। चलिए अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमारा जो है वो टाइप ऑफ डिस्प्ले है, टाइप ऑफ यानी डिस्प्ले के प्रकार, कौन कौन से डिस्प्ले है उसके प्रकार है ये, ठीक। एमडीए, एमडीए का पूरा नाम याद रखना है, मोनोक्रोम डिस्प्ले एडाप्टर मॉनिटर, मोनोक्रोम डिस्प्ले एडाप्टर मॉनिटर। सीजीए, कलर ग्राफिक एडाप्टर, ठीक है ना। सीजीए का होता है कलर ग्राफिक एडाप्टर। ईजीए होता है इनहेंस्ड ग्राफिक एडाप्टर। ईजीए का होता है इनहेंस्ड ग्राफिक एडाप्टर, ठीक है ना। पीजीए का होता है प्रोफेशनल ग्राफिक एडाप्टर। वीजीए का होता है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। एसवीजीए का होता है सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। ये मॉनिटर मॉनिटर लिखा है यानी उसका प्रकार है, ठीक है। आई होप आप ये डिस्प्ले का प्रकार भी याद हो गया होगा और आप इसको लिख कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड पे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जान जाए थोड़ा सा। जो हमारा हार्डवेयर होता है ना, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर अब सिंपल है, आप लोग हार्डवेयर जानते हो, इसको पहले जान लो डिनोट कैसे करते हैं, एच डब्ल्यू से हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को एच डब्ल्यू से सॉफ्टवेयर को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये हार्डवेयर क्या होता है,
कंप्यूटर के वे भाग जिसे हम आसानी से छू सकते हैं, बना बिगाड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है ना, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे भाग, ना उसे हम क्या करें, ना उसे बना बिगाड़ सके, ना उसे छू सकें, ठीक है, केवल उसको महसूस करके उस पे कार्य को कर सके, वो क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर में जो सबसे मेन होता है वो होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अब मेन बनता है। तो अब इसका एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहता है या ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच पूलिंग का कार्य करता है, जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच पूलिंग का कार्य करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो बहुत सारा होता है। हमारे स्मार्टफोन के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारे सिस्टम के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, जो हमारे स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ना जान के हम सिस्टम के लिए जानते हैं, तो जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, यानी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, ठीक है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है, जिसके संस्थापक विलियम हेनरी बिल गेट्स जी हैं, ठीक है ना, ये जानो। दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है लिनक्स है, ठीक। तीसरा जो है मैक ओएस है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ये तीन सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होने वाले हैं। इसके साथ साथ आता है यूनिक्स, ओबंटू, ठीक है ना, ये सब। अब देखो, जो हमारा ये विंडोज होता है और मैक होता है ना, ये दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारा पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, पेड सॉफ्टवेयर। और जो हमारा ये होता है, ये होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है, ये भी पेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। अब देखिए, जो स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो कौन सा होता है? स्मार्टफोन में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड्रॉयड होता है, ठीक है, उसके बाद एप्पल के लिए आईओएस होता है, ठीक है, सैमसंग द्वारा बनाया गया टाइजेन होता है, ठीक है, ये हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। ब्लैकबेरी अपना ब्लैकबेरी ओएस चलाता है, एक स्मार्ट छोटे स्मार्टफोन के लिए बना हुआ काई ओएस, काई ओएस, यानी ये सारे जो चीजें हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आपको याद करना है, ठीक। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम एक और होता है डॉस, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ठीक है ना। आपको याद क्या करना है, जो हमारा विंडोज है वो पहले तो पेड सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद करना है ये जो है ना जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, लिख दे रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, लेकिन जो डॉस होता है वो होता है सीयूआई बेस्ड, ठीक है ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं होती है। आई होप आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया? ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम हमारे पहले से मौजूद होते हैं, जैसे ओएस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से न कर पाए, उसके लिए हमें दूसरे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़े, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसे किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाए, वो हमारे क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस हम यूटिलिटी के अंतर्गत ही रखते हैं। आई होप आप यहाँ तक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो, ये विंडोज का कुछ जो लेआउट है वो हम यहाँ पर रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो कल ही हमने आपको ये बताया था, अगर ध्यान वीडियो देखे होगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा। जो यहाँ पे ये फोटो दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ठीक है ना, इन सब तीनों को फाइल फोल्डर आइकन्स होते हैं, ठीक है। आइकन क्या होता है? ग्राफिकल सिंबल होता है, किसी भी एप्लीकेशन का क्या होता है? ये ग्राफिकल सिंबल होता है। फोल्डर क्या होता है? जिसके अंदर फाइलों को कलेक्टेड किया जाता है। फाइल क्या होता है? जो किसी एप्लीकेशन द्वारा बनाया जाता है,
ठीक है, ये चीज जो हमारा यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है ये होता है नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया। जो ये पट्टी ब्लैक वाली दिख रही है इसको कहते हैं टास्क बार, ठीक है ना। ये टास्क बार होता है जो करता क्या है, इसका सबसे मेन काम होता है किसी भी ओपन प्रोग्राम को होल्ड करना। क्या होता है? किसी भी ओपन प्रोग्राम को होल्ड करना इसका काम होता है, ठीक। और जो ये होता है स्टार्ट बटन, जो विंडोज में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जाकर हम सारे ओपन प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। आई होप ये विंडोज के बारे में छोटी मोटी जानकारी थी जो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये विंडोज का ये मेन विंडो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नेविगेशन पैनल है, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये सेटिंग्स है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, ये पिक्चर है, और ये यूजर है, ठीक है ना। और ये शटडाउन के लिए बटन दिया हुआ है। चलिए यहाँ से आप सेटिंग कर रहे हैं किसी भी डिवाइस, ब्लूटूथ यानी किसी माउस को ऐड कर सकते हो, प्रिंटर को ऐड कर सकते हो, यानी उड़ा सकते हो, जो भी चीज़ कर रहे हो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से और यहीं वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? अब हमने पहले दिन आप पहली बार में आपसे बताया था वो प्रिंटर जो आवाज क्या करते हैं, नहीं करते हैं, यानी जो प्रिंटर आवाज नहीं करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट कहलाता है, और जो प्रिंटर आवाज करते हैं वो क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो देखिए ये जो लेजर प्रिंटर है साफ साफ दिख रहा है ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश करता है या उससे बाहर निकलता है, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा ये कीबोर्ड है उससे क्या करता है, इनपुट तो करता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। तो ये आंसर क्या होगा, हमारा प्रिंटर जो होगा ये हमारा प्रवेश भी करता है और बाहर भी निकलता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर वाला शीर्ष बार क्या होता है? तो देखिए किसी कोई भी एप्लीकेशन होता है जो ऊपर हमारी ये पट्टी ऊपर दिखती है ना, जो ऊपर इसको हम कहते हैं टाइटल बार यानी उसका शीर्षक, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा डी, यानी टाइटल बार होगा, क्योंकि स्टेटस बार नहीं होता, टूल बार भी नहीं होता, मेन मेनू बार भी नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए दिया यहाँ पे हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है, तो आप जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम में बाइनरी का बेस होता है दो, ठीक है, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्सा का 16 होता है, ठीक। यहाँ पे हेक्सा पूछा है तो हेक्सा 16 है, तो हमारा डी आंसर सही होगा, ठीक है ना। ये बाइनरी हो गया, ये ऑक्टल है, ये गलत है, ये तो सीधे गलत है, ठीक है ना, इसे कोई मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेस्कटॉप आइकन क्या है, पूछ रहा है डेस्कटॉप आइकन क्या है, ठीक है ना। तो छोटी ग्राफिकल इमेज होती है, ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर होगा। अभी को जस्ट कुछ ही समय पहले आपको बताया। अगला पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ग्राफिक फाइल को प्रदर्शित करता है? अब ग्राफिक फाइल में देखिए जिसमें क्या हो, पिक्चर्स हो, सम्मिलित हो, ठीक है ना। तो देखो बीएमपी जो होता है, बिट मैप अभी को बताएं, और जीआईएफ, वीडियो स्टार्ट हुआ तभी हमने बताया था आपको, तो हमारा डी आंसर क्या होगा, राइट होगा इसमें, क्योंकि डॉस आ गया तो डॉक्यूमेंट में नहीं होता है। जेपीजी तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसका दूसरा टेक्स्ट नहीं होता, टेक्स्ट दे दिया एसटीके होता ही नहीं है, ठीक। तो ये हमारा डी आंसर राइट होगा, ठीक। फिर देखते हैं डीवीडी का पूरा रूप है, पूर्ण रूप है, यानी उसका पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक। तो वीडियो डिस्क है तो इसको वेरिस्टाइल डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है, डिजिटल वेरिस्टाइल डिस्क दिया है, देखो दिया है, यानी ए हमारा राइट आंसर है, ठीक। फिर दिया बाइनरी नंबर इतना इतना का अष्टक समतुल्य, यानी इसका ऑक्टल पूछा है। तो देखो हम ऑक्टल निकालने के लिए तीन तीन का पेयर बना लेते हैं, तीन तीन का पेयर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो हमारा ऑक्टल होगा, 100 का ऑक्टल हमारा होता है 4, 1 का 1 होता है और 101 का 5 होता है, तो यानी 514 हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक। आज जब मैं नंबर सिस्टम आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को, ठीक। चल देखिए ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो जो बेसिक होता है वो नौसिखियों के लिए साधारण लैंग्वेज है, जिसके जरिए बच्चों के लिए क्या होता है बनाया जाता है, गेम्स वगैरह इसी के जरिए, बेसिक के जरिए बनाए जाते हैं। जो लोगो भी होता है वो भी एक बेसिक होता है, ठीक है। स्पर्शनीय भौतिक भौतिक कंप्यूटर उदाहरण जिन्हें देखा वो स्पर्श किया जा सकता है, वो आप जानते हो, जिसको देखा जा सकता है, जिसको स्पर्श किया जाए उसको बना भी कर सकते, उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आंसर दे सकते थे इसका, ठीक। फिर से देखो ये सारा क्वेश्चन वो ट्रिपल सी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। एक विंडो या वर्ड प्रोसेसर में साइड बार जिनमें दोनों छोरों पर एक तीर होता है और बीच में एक बॉक्स होता है जिसका प्रयोग माउस द्वारा पेज के ऊपर की ओर जाने और नीचे की ओर आने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो देखते हुए जो हमारा ये विंडो होता है, विंडो को ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे दो होता है जिसे पकड़ खींच के ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, ये याद रहा, इसको क्या बोलते हैं,
स्क्रॉल बार बोलते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब पूछा अगला, एक जॉयस्टिक का प्राथमिक उपयोग क्या है, तो हम आप लोग पहले बताते हैं जब वो पढ़ा रहे थे इनपुट आउटपुट, बोले उसका गेम खेलना, ठीक है ना, तो उसका गेम खेलने के रूप में प्रयोग होता है वो जॉयस्टिक का होता है। ठीक, फिर से दिया, एक स्टोरेज डिवाइस पे मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, जो हमारा स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर होता है उसको रूट डायरेक्टरी बोला जाता है, जिसके अंदर हम कोई भी फाइल को फोल्डर यानी कोई फाइल्स को कलेक्ट करते हैं यानी रखते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट बोर्ड सीपीयू रैम और अन्य हार्डवेयर उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है, सीपीयू रैम और क्या करता है, अन्य हार्डवेयर उपकरण। अब हार्डवेयर उपकरण बोला है, ठीक है ना, तो मदरबोर्ड, क्योंकि इन्हीं सबको उस पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है मदरबोर्ड के ऊपर, जिसकी कलर कोड कल ही बताते हैं ग्रीन होता है, ये चीज याद रखिएगा। प्रिंटर की गुणवत्ता यानी प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो जान लीजिए प्रिंटर की कभी भी क्वालिटी नापी जाती है तो डीपीआई, डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच, और जो ये हमारा पिक्सल होता है वो फोटो की क्वालिटी नापी जाती है, फोटो या पिक्चर की क्वालिटी नापी जाती है, जिसको पीपीआई में कहते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा पासवर्ड मजबूत होता है, ये आपको पता है, जिस पासवर्ड में आपका नंबर भी हो, अल्फाबेट भी हो, कैरेक्टर भी हो, ठीक, पासवर्ड में संख्या अक्षर और कैरेक्टर, संकेताक्षर कैरेक्टर को बोला था, वो पासवर्ड हमारा क्या होता है, मजबूत होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से किसका कौन सा आकार में सबसे छोटा होता है, ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक, पाम टॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो जो पाम टॉप मतलब जो आप मोबाइल चलाते हो हाथ में हथेली में रख के, वही हमारा क्या होता है, सबसे छोटा होता है, बाकी इससे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा दिए गए आउटपुट को क्या कहा जाता है, देखिए कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा दिए गए आउटपुट को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है उसको, हम सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कहते हैं, आपको पहले पढ़ा है, और प्रिंटर द्वारा दिए गए को हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद हमारे देखने में, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। रैम और रोम मिलाकर निम्नलिखित क्या बनता है, रैम और रोम मिलाकर क्या बनता है, तो मुख्य मेमोरी यूनिट बनता है, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आता है। ठीक, सिस्टम प्रोग्राम का वो समूह जो कंप्यूटर प्रोग्राम के संचालन को नियंत्रित व समन्वित करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो देखिए जो हमारा प्रोग्राम को संचालित भी करता है और समन्वित भी करता है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओएस, जो इसके माध्यम से सब चीज पॉसिबल है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।